तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुट्टू के आटे की पूड़ी, पराठा एंड रोटी। तो स्टार्ट करते हैं। आप कुट्टू का आटा ले सकते हैं या सिंगाड़े का आटा ले सकते हैं, कोई सा भी आटा ले सकते हैं या दोनों भी ले सकते हैं। आलू लेंगे उबले हुए, हरी मिर्च, धनिया कटी हुई, काली मिर्च, जीरा, घी, सेंधा नमक। तो स्टार्ट करते हैं। आलू लेंगे उबले हुए, उनको मैश करेंगे अच्छे से। देखिए मैंने मैश कर लिए हैं सारे आलू। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च, धनिया पत्ती, ठीक है। अब डालेंगे जीरा, काली मिर्च कुटी हुई, कुट्टू का आटा। देखिए आप सिंगाड़े का आटा भी डाल सकते हैं। मैं दोनों आटे यूज़ कर रहा हूँ, कुट्टू का थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ और सिंगाड़े का थोड़ा कम यूज़ करूँगा। तो आप दोनों को बराबर क्वांटिटी में या ज़्यादा बड़ा या सिंगल आटा भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि दोनों यूज़ करने हैं। सेंधा नमक तो आपके ऊपर बात है कि क्या यूज़ कर रहे हैं। आपको दोनों आटे में जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यही यूज़ करना है कि किसी ने कहीं चाहिए या कुट्टू का ही चाहिए। तो आप सिंगाड़े का खाली भी ले सकते हैं या खाली कुट्टू का ले सकते हैं। तो ये अच्छे से मैंने मैश करके देखो तैयार कर लिया। ऐसे गोले बन जाने चाहिए और इसको एकदम मिलाना नहीं है, चपटा कर थोड़ा अलग अलग रखना है। अब हाथों पे घी लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। मैंने तो कुछ नहीं लगाया हुआ। तो ये देखिए एक पन्नी ली, लोई बनाई और एक पन्नी के अंदर ऐसे रख दिया है। अब इसके बाद हाथ से ऐसे प्रेस करूँगा, दबाने के बाद इसको रोटी का आकार दे दूँगा। ये देखिए अब बेलन की मदद से इसे अच्छे से बेल लूँगा। ये देखिए इसको ज़्यादा आप पतला भी बेल सकते हैं, क्योंकि अभी ये रोटी बना रहे हैं हम इसकी। जैसे कि रोटी सेक के बनाते हैं तो हम रोटी बना रहे हैं इसकी। अब इससे पूड़ी भी बना सकते हैं, पूड़ी बनाना भी दिखाऊंगा आपको और पराठा बनाना भी दिखाऊंगा। तो आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि किसी को नहीं खाना, जैसे कि ज़्यादा तेल घी वगैरह यूज नहीं करना हो, तो आप नॉर्मल इसको तवे पे रखो और तैयार है। देखो अभी दिखाता हूँ, ये बन के तैयार है। अब इस पर रखते हैं तवे पे, गैस ऑन है। अब इसको ये एक साइड से हो गई है तो पलट रहा हूँ मैं इसको। ये पलट दिया, ये देखिए ब्राउन हो गया। इसको ध्यान रखना कि जब मंदी गैस पे पकाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तेज़ आँच पे ये ऊपर से लाल हो जाएगी लेकिन अंदर से नहीं होगी, ठीक है। तो मंदी गैस पे ज़्यादा बेटर है। अब इसका पराठा बनाएंगे। ये देखिए घी लगा देना ऊपर से, साइड से डाल देना घी। अब ये हो गया एक साइड से हमारा। ये मैं आपको वीडियो क्लिप काट काट के दिखा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि इतनी जल्दी जल्दी पलट रहा हूँ। ये मंदी गैस पे हो रहा है, तेज़ गैस पे नहीं कर रहा हूँ मैं। तो क्लिप काट दी है जब बीच में रेस्ट हो रहा है, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो दिखता नहीं है कोई। तो इसलिए आपके सहूलियत के लिए मैं आपको दिखा दिखा के जो मेन सीन है सिर्फ वही डाले हुए हैं। ये पराठा तैयार है, मैं कढ़ाई रखूँगा जल्दी से। ये देखिए घी डाला, ये मैंने छोटा सा गोली डाल के देखिए घी हो गया मेरा। अब इसके अंदर वो रोटी जैसे सेम रोटी वैसी ही बनानी है जैसे मैंने बनाई है प्लास्टिक की थैली में पिन्नी में डाल के, तो बस वैसी वो बनानी है उसका। और अब कुछ भी बनाइए, उसका पूड़ी बनाइए, पराठा बनाइए या जो मर्जी। तो ये देखिए पूड़ी भी तैयार है। अब ये फूलती भी हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसका रिकैप। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ज़रूर फॉलो कर लें। और इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करना, स्टोरी में मेंशन कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आपको थाली की मिलने वाली है। तो चलिए, जय माता की, बाय बाय।